हेलो सर, मेरा नाम है सोहेल फिदायत, मेरे साथ है प्रियांशु चैटर्जी जिनकी फिल्म ऑफिसर अर्जुन सिंह आईपीएस बैच 2000। सबसे पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सोहेल, थैंक यू। फिल्म इज लुकिंग वेरी सुपर्ब। थैंक यू। व्हाट हैव टू से, किस तरह का ऑफिसर है? और हमने देखा ट्रेलर, बहुत ही मज़ा आया, क्या कहोगे? बहुत ही संवेदनशील और एट द सेम टाइम जाबाज, बहुत ही ऑनेस्ट कॉप है। और किस तरह से वो सिस्टम से लड़ता है और एक परिवार को जस्टिस दिलाने के लिए, तो वो कहानी है। कहानी इस तरह की तो बहुत आई है एज ए कॉप की, बट व्हाट वुड बी समथिंग विच इज लिटिल बिट द ऑडियंस वुड लाइक टू सी, क्या कहना चाहोगे इसके? इट्स अ वेरी रॉ, वेरी रस्टिक सॉर्ट ऑफ अ फिल्म, रियलिस्टिक, बहुत रियलिस्टिक जैसी है। और मैं पहली बार इस किरदार में हूँ, तो वो मेरे लिए नया था। हमने ज़्यादातर आपको रोमांटिक फिल्म करते हुए देखा है, लेकिन यहाँ पर थोड़े एंग्री हो, सीरियस फिल्म है। हाउ वाज द लाइक दिस एक्सपीरियंस आल्सो इट वाज फैंटास्टिक। आई लव्ड द स्क्रिप्ट, आई लव वर्किंग विद द टीम, एंड इट जस्ट हैपेंड ऑन इट्स ओन। आई थिंक क्या मैसेज आल्सो है इस फिल्म में, जैसे कि अर्जुन है, मैसेज ऐसा ही है कि इसमें कि बेसिकली वो बोल रहे हैं कि असत्य सत्य के ऊपर जीत नहीं पा सकता कभी भी, और सत्य की ही जीत होगी। तो वो सत्य इस फिल्म में अर्जुन का किरदार है। गोविंद नामदेव जी है, सीनियर एक्टर जी, गोविंद जी हैं, विजय जी हैं, एहसान खान है। इट वाज फैंटास्टिक, इट वाज अमेजिंग वर्किंग विद ऑल ऑफ देम, बिकॉज दे आर सच सीनियर एंड वो सच कोऑपरेटिव बंच ऑफ एक्टर्स, एट द सेम टाइम एक लॉट ऑफ फन। तो बहुत सेट पे मस्ती मजाक और मतलब उसके बीच में काम हुआ, तो बड़ा मजा आया। अर्शद जी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? अर्शद डायरेक्टर, लवली लवली गाय, ग्रेट ह्यूमन बीइंग एंड एट द सेम टाइम ब्यूटीफुल डायरेक्टर, वेरी गुड राइटर। और अपने जो भी वो सोचते हैं कॉन्सेप्ट, उसको मतलब बखूबी पन्ने पे उतारते हैं, और उसके बाद फिल्म पे भी। तो क्या लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स के बारे में बता दिया गया है, या जो नेताओं के बारे में बताया, भ्रष्ट होते हैं, तो कहीं पर कोई प्रॉब्लम आई अगर मतलब इस तरह की कोई शूट करने? नहीं नहीं, हमें इस तरह से कभी, कतई नहीं, कभी भी नहीं। फिल्म है, इट्स अ स्टोरी, इट्स अ ड्रामा, तो लोगों की एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है। अब वही पर्पस था, और आई थिंक लोग उसको वैसे ही देखेंगे। बराबर, जहाँ पर एक नेता भ्रष्ट हो, तो वहाँ पर एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर भी दिखाया गया है, तो जस्टिफाई है, ऑनेस्ट भी है, कुछ कुछ ऑफिसर्स डिसऑनेस्ट भी हैं, तो सब कुछ मिला जुला है, जो एक रियल लाइफ, जो रियल लाइफ में होता है। हीरोइन के बारे में जानना चाहेंगे, लक्ष्मी राय के बारे में, लाइक हाउ 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 इज शी, लाइक शी इज वेरी साउथ, लाइक शी इज वेरी नाइस, शी वर्क रियली हार्ड, एंड आई थिंक शी इज डन रियली वेल इन द फिल्म। क्योंकि हालांकि हीरो विलन सेंटर्ड फिल्म होते के बावजूद हीरोइन के पास काफ़ी कुछ करने को था। म्यूजिक्स नाइस, म्यूजिक्स नाइस, इट्स मेलोडियस, इट्स लाइक इट्स ईजी ऑन द ईयर। इसके अलावा व्हाट अदर थिंग्स आर हैपनिंग, लाइक अभी के इस फिल्म के बाद क्या हो रहा है? और इस वेब सीरीज का भी आपको जमाना है, कोई ऑफर? वेब सीरीज मैंने की एक वेब सीरीज कोल्ड लस्सी एंड चिकन मसाला, वो ऑन एयर है अभी। तो इसके बाद एक और फिल्म है, उसका नाम है श्रीदेवी बंगलो, तो वो आई थिंक साल के एंड तक आएगी। एनी रीजनल फिल्म? नथिंग राइट नाउ, नथिंग राइट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सोहेल।